नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुल्तानपुर के प्रकाश कुरड़िया, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़कर बसपा का दामन थामा है, और इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कुछ खामियां रही, क्या कुछ विषय रहा, क्या कुछ रीजंस रहे बीजेपी छोड़ने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम साथियों। तो बीजेपी आपने छोड़ी, इतने साल बीजेपी में काम किया, क्या रीजंस रहे, क्या खामियां रही कि बीजेपी का दामन छोड़ना पड़ा? दरअसल क्या है कि मैं इस पार्टी में तकरीबन 20-22 साल से हूँ, 20-22 साल से था इस पार्टी में, बीजेपी में मैं, और बीजेपी को मैं बहुत लाइक करता था। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद जो हालत रहे ना इस देश के, बस से बदतर हो गए। जिस तरीके से मैंने देखा, हम लोगों ने पार्टी का काम किया, जिस तरीके से हमने बहुत आंदोलन करे, रामलीला मैदान वगैरह कहाँ कहाँ गए, बसें ले लेके जाते थे, हमने उस तरीके से मेहनत की, मोदी जी पे काफ़ी भरोसा किया हम लोगों ने। और जिस तरीके से जैसे देखा मैंने कि जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 2014 में जो नोटबंदी हुई है और नोटबंदी को लेकर जो जनता परेशान हुई है, हालत बस से बदतर हो गई, जनता बहुत दुखी हो गई है। और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, हम अब पार्टी जीती है, बीजेपी आई है, सरकार बनी है हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता दुखी। तो ये इसके नोटबंदी के बाद फिर अब देख रहे हो कि जिस तरीके से GST लगाई, सीलिंगें हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, गरीबों की हालत बेकार हो गई, उसमें भी वहाँ भी मेरा दिल टूटा। अब देखते देखते जिस तरीके से ये किसान आज रोड पे हैं, अभी आप देख रहे हो जिस तरीके से। अच्छा, कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि आप एक दलित समाज के नेता हैं और कहीं ना कहीं दलित समाज को बीजेपी कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन्स हो सकता है, क्योंकि कई बार अगर हम कई निगम पार्षद देखें जो दलित समाज से आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहिष्कार किया है, उनको पार्टी से निष्कासित किया है और इसके विरोध में भी वो उतरे हैं जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन्स मान सकते हैं क्या? हाँ, कुछ ये भी हैं। देखो जिस तरीके से आज दलितों को वाकई में दरकिनार कर दिया जाता है, इतना वो नहीं दे पाते दलितों को, मतलब काफ़ी भेदभाव रखते हैं। जिस तरीके से एक लड़का है यहाँ पे सोनू पाल नाम है उसका, आज वो जिस तरीके हमारा इस जिला अध्यक्ष है, बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, तो उसका अब देखते हो काफ़ी उनके अंदर भेदभाव चल रहा है। सोनू ने मुझे बताया था, सोनू पाल ने, कि ना बहुत जातिवाद का बहुत भेदभाव रखते हैं जिला अध्यक्ष शुक्ला जी। तो मैंने कहा ये भी देखा, मैंने है तो फ़र्क काफ़ी, वैसे तो जातिवाद को लेके भी है, लेकिन है ना जो मैं देख रहा हूँ कि ना जो देश है ना आज बहुत नीचे चला गया है, बहुत सिस्टम बिगड़ गया, मेरा मन खट्टा हो गया है। ज़्यादातर तो किसानों को लेके ना, क्यों हम लोग मोदी 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 करते रहे, मोदी मोदी मोदी, लेकिन देश आज नौजवान है ना काम के लिए तरस रहा है, बुरे हालात हो गए हैं, मेरा दिल टूट गया इससे। मैं बीजेपी में मैंने छोड़ दी पार्टी, और मैंने जो है ना BSP पार्टी ज्वाइन करी है, हमारे बाबा साहब की जो पार्टी है, बाबा साहब ने हमें जो मार्ग दिखाया, हमें रास्ते जो देखे उनके उस पर चलना हमें, तो मैं यही है बस, बीजेपी से मेरा मन खट्टा हो गया, मैंने बीजेपी छोड़ दी है। अच्छा, बसपा है, BSP में ऐसी क्या खासियत रही कि आपने BSP को ही चुना, कांग्रेस में जाना क्यों पसंद नहीं करा, और भी कई पार्टियाँ थी? देखो BSP की खास पहचान है, क्योंकि ना जैसे जिस तरीके से मैंने देखा कि दो बार हमारे संजय गुप्ता जी पार्षद रहे और उन्होंने क्षेत्र में काम किया, और BSP पार्टी की तो बहुत मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि BSP पार्टी मैं मानता हूँ कि दिल्ली में थोड़ा सा वो है कि लोग ज़्यादातर आम पार्टी के पीछे भाग रहे हैं, कोई BJP की तरफ भाग रहा है, लेकिन मैंने सबसे छोटी पार्टी भले ही दिल्ली में है, लेकिन इनकी जो नीति है ना मुझे बहुत पसंद है, मैं बाबा साहब को बहुत लाइक करता हूँ और मेरे को ये पार्टी बहुत पसंद है। अगर पार्टी ने मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट किया, पार्टी ने अगर मेरे को यहाँ से टिकट देती है, वार्ड नंबर 48 में रहता हूँ मैं, अगर यहाँ से टिकट देती है ना, तो इस क्षेत्र में इतना काम करना चाहता हूँ कि लोग कहें कि हाँ यार पार्षद बनाया, और देखो BSP का बंदा है और इसने इतना काम करके दिखाया। आज हमारे क्षेत्र वार्ड में ना, वार्ड 48 में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे काम हो ही नहीं पा रहा। इन 5 सालों में आम पार्टी का निगम पार्षद हमारे यहाँ पे बेबी जयराम जो है ना, क्षेत्र में बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ। आज गलियाँ हालत बद से बदतर हो रहे हैं, पार्क ऐसे हो गए, पिछले दिनों जो आज से 10 साल पहले की बात है, जिस तरीके से गुप्ता जी रहे यहाँ पे, क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, काम हुआ है, अब देख रहा हूँ बहुत हालत बेकार हो गए, तो मैं चाहता हूँ क्षेत्र में काम करें। अच्छा, 5 ऐसी प्राथमिकताएं बताइए जो अगर निगम पार्षद आप बनते हैं, हाँ तो क्या ऐसी प्रमुख जो काम है वो करेंगे? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से नशा हमारे सुल्तानपुर में नशा, छोटे छोटे बच्चे हैं ना बिगड़ चुके हैं, इतना हालत हो गया, नशे के उस लत में पड़ चुके हैं, और प्रशासन को सब पता है, पुलिस को सब पता है कहाँ नशा बिक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कोई रोकथाम नहीं, नौजवान ऐसे ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इस नशे को रोकने का काम करूँगा, जहाँ तक चल पाएगी पूरी कोशिश करूँगा नशा बंद कराए सुल्तानपुरी से, नौजवान बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, तो बस ये चाहता हूँ कि ना
नशा बंद हो सबसे पहले तो। कुरड़िया जी एक और बात पूछना चाहूंगा, जो भी निगम पार्षद आता है, जो भी दावेदार आता है, यही कहता है कि नशा बंद कराएंगे, नशा बंद कराएंगे, लेकिन आज तक नशा बंद नहीं हो पाया सुल्तानपुरी जैसे एरिया में। कहीं ना कहीं जो देश का भविष्य जिसे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं नशे की ओर बढ़ रहा है। कहा जाता है कि भारत जो है युवाओं का देश है, लेकिन युवा अगर नशे में चले जाएगा तो भविष्य कितना खतरे में होगा, उसका मैसेज क्या देना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ आज 10-10 साल के बच्चे ना इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। हालत मैं बहुत, मेरी आंखों में आंसू आते हैं जब देखता हूँ ना छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने इस जगह, यदि इन्होंने प्रशासन ने कुछ नहीं किया ना इस बार भी, अगर हम जीतते भी हैं, अगर जीत के भी उसके बावजूद कुछ नहीं किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक नशा मुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से हो, ताकि उन बच्चों का इलाज हो सके। वो तो मैं करवाऊंगा, लेकिन जी तोड़ मेहनत करूंगा नशे को ख़त्म कराने की। सुल्तानपुर से तो मैं कोशिश करूंगा ही, ये मेरा वादा है। अच्छा, क्राइम की बात करें तो क्राइम को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं, वो ये दावा करते हैं कि हमने CCTV लगवा दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं CCTV डब्बे साबित हो रहे हैं। कल भी एक घटना हुई, अभी थोड़े दिन पहले एक घटना हुई, हत्या की एक घटना हुई, लेकिन उसकी CCTV फुटेज एक भी सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये नाकामी मानी जाए दिल्ली सरकार की। देखो, दिल्ली सरकार की नाकामी तो है ही, झूठ बोलने का काम करती है दिल्ली सरकार। कहते हैं कि बिजली पानी ये बिल तो सबके आ ही रहे हैं, और कैमरे की बात है, स्टार्टिंग में कैमरे लगवाए थे, चुनावी दौर था उस टाइम, विधानसभा चल रही थी, विधानसभा का चुनाव चल रहे थे तो लगवाए, आज सब डब्बे बने पड़े हैं। आप देखो कई कितनी वारदातें हुई हैं, इतना मर्डर हो गया, F7 में मर्डर हुआ, किसी CCTV नहीं आया, वो कहाँ CCTV कैमरे? मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार, अरे काम करें यार, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं लोग कि ये कर दिया वो कर दिया। कैमरे हैं कहाँ, कौन सा कैमरा काम कर रहा है? सर ये कुछ काम नहीं किया इन लोगों ने, बिल्कुल काम नहीं किया हम पार्टी ने। तो आप जब निगम पार्षद बनेंगे तो क्या ऐसी प्राथमिकताएं होंगे जिनको प्रमुख रूप से आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखो, जैसे महिला टॉयलेट की दिक्कत है यहाँ, मैं देखता हूँ कहीं महिला टॉयलेट है ही नहीं, जिस तरीके से भीड़ भड़ाके में महिला परेशान होती है ही नहीं कहीं बाथरूम, कहीं पर भी नहीं है। पहले तो मैं ये देखूँगा कि पहले महिलाओं के लिए एक टॉयलेट बनाया जाए हर उसके अंदर, जिस तरीके से हमारा वार्ड पड़ता है 48, उसमें कहीं कहीं 200-200 मीटर की दूरी पे एक बाथरूम होना चाहिए महिलाओं के लिए भी। अच्छा, उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कि महिला सुरक्षा उससे पहले की जानी चाहिए? अगर महिला सुरक्षा ही नहीं होगी तो शौचालय की बात तो बाद होगी। महिला सुरक्षा तो देखो, आज महिलाओं तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी मैंने, सब ठीक ही चल रहा है, महिलाओं को तो कोई ऐसा वो नहीं है। आप देखो काफ़ी बदलाव है महिलाओं की तरफ से, तो कोई वाली बात नहीं। स्नैचिंग जैसी वारदात जो है, महिलाएं शाम को जॉब से निकलती है, निकलते वक्त स्नैचिंग जैसी वारदातें होती है, और चौक चौराहों पर कई बार ऐसी फप्तियां भी कसी जाती है महिलाओं पर, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान नहीं खड़ा करता महिला सुरक्षा को लेकर? सर ये मैंने बताया ना अभी कि जिस तरीके से नशा मैन, इसका कारण है नशा। जिस तरीके से आज छीना झपटी आप बता रहे हैं ये हो ही रही है, जैसे चैन तोड़ना, चैन सेंसर जो आते हैं तोड़ के, और आज तो फोन छीन कर भागते हैं। इसका कारण सारा सिस्टम यही है कि नशा, अगर सुल्तानपुरी से नशा बंद हो जाए ना तो ये क्राइम बंद हो जाएगा बिल्कुल। बस सबसे बड़ी बात है कि नशा बंद होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऊपर के अधिकारी यदि सुन रहे हैं तो मेरी बात को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, इस नशे को बिल्कुल दूर कीजिए सुल्तानपुरी से। यहाँ के हालत बस से बदतर हो चुके हैं, आज नौजवान ख़त्म हो रहे हैं, तो प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, इन गरीबों के, इन कमज़ोर लोगों से, इनसे मत खेलें, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, कि नशे एक फ्लाईओवर है जो कई सालों से पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं बना, कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये फ्लाईओवर बनने को तैयार नहीं है। अभी भी निगम के इलेक्शन आने वाले हैं और लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय इसको हो चुका है, इसके विषय में क्या कहेंगे? सर ये एक राजनीति है, मैं आपको बताऊँ, ये राजनीति चल रहे हैं लोग, अब ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब उसका नारियल फोड़ेंगे। तो ये चुनाव मैं देखते देखते पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, ये पुल बन रहा है MCD, आज विधायक से पूछो तो कहता है MCD के अंडर में, MCD से आके पार्षद से पूछो तो वो कहता है उसके अंडर में। इस तरीके से जनता को गुमराह किया जाता है हर बार, किसी से पता करो, चाहे विधायक से, चाहे सांसद से, चाहे काउंसलर से, एक दूसरे पे थोप देते हैं, और पता नहीं होगा कब ये। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से चुनाव आएंगे 2022 के अंदर, तब ये उसको नारियल फोड़ेंगे, पता नहीं क्या जनता को परेशान। तो स्थानीय नेताओं के खिलाफ कभी आपका रोष भी आता होगा, तो कई कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि प्रदर्शन पे उतरेंगे और इस काम को करा कर मानेंगे, ऐसे कौन से काम है जिनको लेकर काफ़ी रोष आपके अंदर देखा जाता होगा, आपके कार्यकर्ताओं में देखा जाता होगा? देखो जी, रोष तो मैंने बताया कि ज़्यादातर नशे को लेकर बहुत ज़्यादा रोष आता है, दुख होता है जब हम निकलते हैं ना रोडों पर, देखते हैं
छोटे छोटे बच्चे की हालत बेकार है सही में, रोज इसी बात का, और क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा। क्षेत्र में एक पार्षद है, पार्षद की जिम्मेवारी बनती है मैं क्षेत्र की सफाई रखूँ। भाई साहब पार्कों का बुरा हाल हो रखा है, आज हालत देखो ऐसे गलियों में पानी भर जाता है। अभी बरसात में कुछ दिन अभी की बात है, बरसात में गलियों में इतना इतना पानी भर गया, 3-3 फुट पानी। ये पार्षद कहाँ है, कहाँ सोए पड़े हैं लोग, कुछ काम नहीं करता। तो रोज कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है जो काम नहीं करा पाता। दरअसल क्या है, मैंने तो अब काम कराऊंगा, मैं ऐसी बात है इन लोगों से मैं इसके खिलाफ विरोध करूंगा, इसका प्रदर्शन करूंगा। मैं तो जयराम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला हूं, क्योंकि ये इसकी जिम्मेवारी बनती है, पार्षद ये है क्षेत्र के, इसको जवाब देना है। आखिर कहां गया वो सिस्टम जो ये बोलता था मैं ये कराएंगे वो कराएंगे, कुछ भी काम नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र में चल के देखें आप, बिल्कुल इतना बुरी हालत है कि आज पार्कों में लोग स्मैक पी रहे हैं, पार्कों में पटरियाँ नहीं बनाई हुई, बुरे हालत है वहाँ के। इसका पूरे 5 साल इसने वेस्ट कर दिए, 5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल तो हो ही गए हैं, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती काम कराएं? भाई पार्षद की जिम्मेवारी है कि क्षेत्रों को चमका के रखें। आज पता नहीं सभी जितने भी उनको लोरी छोड़ रखा है, अरे क्यों लोरी छोड़ रखा है, उनको बुलाओ तो वो क्या बताऊँ मैं, बस बहुत मेरा दिल दुखता है सब चीज़ों से, काम करवाना चाहिए उसको। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश कुरड़िया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव करती है, कहीं ना कहीं दरकिनार करती है, दलित समाज को दरकिनार करती है। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं दलित समाज के जो कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार करते हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को भी भुगतना पड़ सकता है। और यहाँ के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं रोष और कहीं ना कहीं भेदभाव के चलते उनके अंदर एक जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमियां है, थोड़ा सा जो रोष है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है भाजपा के प्रति। और इसी का यही कारण है, इसी का यही नतीजा है कि प्रकाश कुरड़िया ने भाजपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बसपा उन्हें यहां से टिकट देती है या फिर चुनावी मैदान में उतारती है तो वो सबसे पहले नशे पर काम करेंगे, और नशे के साथ साथ तमाम जो विकास के कार्य वो करेंगे, और नशा अगर बंद नहीं हुआ तो इसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन पर भी उतरेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रुद्रा न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।